राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 3 दिन 4 दिन हो चुके हैं और सभी का बहुत अच्छी तरीके से दिन गुजर रहे हैं। और नवरात्रि में लोग व्रत हैं तो घूमने भी जा रहे होंगे, तो आप सब इंजॉय करो, प्रार्थना करो, हेल्थ फुल रहो, सब अच्छे रहो। और आप सभी के व्रत के लिए मैं एक और नई रेसिपी लेके आई हूँ। ये है मेरी आलू साबूदाने की टिक्की है। ये हेल्दी है, आप इसको आराम से बना के खा सकते हो। इसको कोई भी आपको खाने के लिए या सुबह या नाश्ते में या दोपहर में जब भी आपकी इच्छा हो आप इसे आराम से खा सकते हो। मैं तो ये सब चीज़ें मॉर्निंग में ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो ये उनके टिफ़िन के लिए भी यूज़ हो जाता है। तो आइए इसको मैं कैसे बना रही हूँ आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। इसके साथ मैं एक और चीज़ कहूँगी, प्लीज़ अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और हाँ सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। जय माता की। तो आइए अब मैं बताती हूँ कि मैंने आगे क्या क्या तैयारियाँ कर रखी हुई हैं। सवेरे सवेरे ही मैंने आपके व्रत के लिए कुछ नया नाश्ता बनाने के लिए सोचा और इस नाश्ते से ही मेरे बच्चों का भी नाश्ता हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू ले लिए। ये आलू थोड़े से ज़्यादा हैं तो इसको मैं एक दो आलूओं को कम कर लेती हूँ और इसको अपने हाथों से ही इसको मिस कर लेती हूँ। बिल्कुल अच्छी तरीके से मिस लीजिए, वैसे भी आप इसमें जो भी सामान डालेंगे तो उसमें वैसे ही मिस ही जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हमको डालनी है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची के साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा मतलब जो जो भी आप व्रत में यूज़ करते हो वो सब इसमें आप डाल लीजिए, क्योंकि ये हेल्दी है नाश्ता है। आप सवेरे शाम दोपहर में जब भी आप इसको लेना चाहें आप आराम से ले सकते हैं। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे दो चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे कुट्टू का आटा। अगर आपके पास कुट्टू का आटा ना हो, सिंगाड़े का आटा हो, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, या फिर आपके पास साबूदाने का आटा हो तो आप वो भी आप इसमें ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ भिगे हुए साबूदाना। जो साबूदाना है ना, ये मेरे बेटे ने 2 घंटे पहले ही भिगो दिए थे कि इसको आराम से फूल गए, तो इसको भी हमको इसमें डाल लेना है। उसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे अपना नमक। नमक तो आप हमेशा नमक है, ये सेंधा नमक है। देखिए सेंधा नमक तो व्रत में भी यूज़ होता है और आजकल सब लोग नॉर्मल भी इसको यूज़ करने लगे हैं, सफ़ेद नमक लोग कम ही लेते हैं। यहाँ पे हम डालें हल्दी पाउडर। अगर आप हल्दी पाउडर यूज़ ना करते हो तो आप हल्दी को मत डालिए, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मीठा और खट्टा बनाने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें डाल दे रहे हैं आपकी किशमिश। और यहाँ पर काजू को और मूंगफली के दानों को हम थोड़ा सा सिलबट्टे में क्रश कर लेते हैं। इस तरीके से हम इमाम दस्ते में इसको थोड़ा थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का हल्का दाना सा होता है, इस तरीके से हम इसमें कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ये सब अपना मूंगफली के दाने और काजू को कूट लिया है, इसको अब हम अपनी मिक्सचर में डाल देते हैं और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अगर हमें वैसे तो हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पानी की ज़रूरत हमें पड़ती भी है ना, तो हम बहुत ही थोड़े थोड़ा पानी हम इसमें मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं मिक्स करेंगे, क्योंकि हमको इसमें एक टिकिया टाइप का बनाना है, इसलिए हम ज़्यादा पानी इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। ये आप इतना हेल्दी है कि आप इसको आराम से खा सकते हो। अगर व्रत ना भी हो ना तो भी आप इसको आराम से ले सकते हो और बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हो। तो मैं इसको जल्दी से मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि इसको चम्मच से तो मिक्स होगा नहीं, हाथों से ही इसको मिक्स करना पड़ेगा। तो मैं इसको हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथों से मिक्सचर को बिल्कुल सही से बना लिया है। अब इसको हम छोटी छोटी सी गोली लेके इसको हाथों की सहायता से एक टिक्की का शेप दे देंगे। टिक्की जो है ना ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है, बिल्कुल मीडियम सी बनानी है, जिससे कि ये आराम से हमारे तेल में सिक सके। और तेल का जो लॉ है ना, मतलब जो उसकी गैस है वो हमको मीडियम ही रखनी है, क्योंकि इसमें जितना धीरे धीरे सिकेगा ना उतना ही ज़्यादा हमारी जो टिक्की है अच्छी सिकेगी। क्योंकि जो आटा जो उसका डाला हुआ है ना मैंने इसमें, वो थोड़ा सा मोटा होता है कुट्टू का, इसलिए थोड़ा सा धीमे सिकेगा तो ज़्यादा ही अच्छी और क्रिस्पी सिकेगी। तो आइए हम जल्दी से इसकी पतली सी मीडियम शेप में हम टिक्की बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने टिक्की बना के तैयार कर ली है और देखिए ज़्यादा मोटी टिक्की हमारी नहीं है। और इधर जो है ना
तेल भी गरम हो गया है, तो मैं पहले एक ही टिक्की डालूंगी। अगर जैसे मेरी टिक्की फटने लगेगी तो मैं उसमें थोड़ा सा आपका साबुदाने का आटा या फिर आपका कुट्टू का आटा, जो भी हमारे पास व्रत का आटा हो, उसको डाल के हम थोड़ा सा उसको मिक्स कर लेंगे, तो उसके बाद हमारी जो टिक्की है ना वो फटेंगी नहीं। अब हमें ऐसे पता लग रहा है कि हमारी टिक्की जो है अच्छी तरीके से सिक रही है, फट नहीं रही है, तो इसको हम एक एक करके अच्छी तरीके से हम सेक लेंगे। इस तरीके से हम उलटते पुलटते टिक्कियों को अच्छी तरीके से सेक लेंगे। देखिए मीडियम आँच पर ही सेकिएगा तो हमारी जो आटा है ना कुट्टू का या सिंगाड़े का वो अच्छी तरीके से पक जाएगा, तो इसको हम मीडियम आंच पे ही सेकेंगे। तो यहाँ पे हमारी व्रत की साबूदाना की कचौड़ियाँ पकौड़ी मतलब टिक्की बनके तैयार हो गई है। और सवेरे सवेरे रहता है ना तो बहुत काम रहता है, तो समझ में ही नहीं आता कि क्या कहा जाए, इसलिए ये जो आपकी जो मैंने टिक्की बनाई है बनके बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। और आप इसको बनाइए और अपने बच्चों के टिफिन में, आप व्रत में या नॉर्मल दिनों में अगर व्रत आपका नहीं है तो भी आप इसको आराम से खा सकते हो। ये बहुत ही अच्छी टिक्की है और इसको ग्रीन चटनी या अगर आप व्रत नहीं हो तो सॉस के साथ, अगर व्रत हो तो जो व्रत वाली चटनी होती है हरी चटनी उसके साथ आप इसको ज़रूर खाइए। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।